अखाड़ा में आज करेंगे शुरुआत उस खबर से जो थोड़ा डराती तो है पर साथ ही कई सवाल उठाती भी है। खबर है कि केरल में कोरोना के बेकाबू कोहराम से जुड़ी। एक तरफ तो देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल से ही आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 43,000 नए कोरोना के मामले मिले हैं और इनमें 22,000 से ज्यादा अकेले केरल से ही हैं। कुछ दिन पहले केरल में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही थी लेकिन तब राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में कई छूटों का ऐलान किया था और ये जिसमें बकरीद के मौके पर बाजार और दुकानें खोलने का फैसला भी शामिल है, जहां 3 दिन सभी बाजारों को खोल दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों की आजीविका पर आघात हो रहा है, इसीलिए हम पर प्रेशर बना है और इसीलिए हमें दुकानें खोलनी पड़ेंगी। और उस वक्त राज्य में कोरोना के पॉजिटिविटी की जो दर थी वो 10% थी। बकरीद पर छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर कोरोना से राज्य के हालात बिगड़े तो वो राज्य सरकार से नरमी नहीं बरतेगी। और बकरीद के कुछ दिन बाद आलम यह है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और देश के आधे से ज्यादा नए मरीज केरल से ही सामने आए हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों ने केरल सरकार के उस फैसले पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको यह बता दें कि देश में आधे से ज्यादा कोरोना के मामले केरल से आए हैं। केरल सरकार वो अकेली सरकार भारत में है जिसने एक नहीं, दो बार नहीं पर 3 बार ये ऐलान किया है कि उन्होंने कोरोना पर काबू पा लिया है। दूसरी बात, जब बकरीद के लिए छूट दी गई थी तब केरल में पॉजिटिविटी का दर 10% था और वही कावड़ यात्रा पर जब प्रतिबंध लगाया गया तब उत्तर प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी का दर 1% था। नीतू रघुकुमार त्रिवेंद्रम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नीतू, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर केरल ने कोरोना पर काबू नहीं पाया है तो फिर ये रिलैक्सेशन क्यों दी गई और इस रिलैक्सेशन की वजह से क्या संक्रमण का दर ज्यादा हो गया? हैव द पॉजिटिविटी रेट एंड द रेट ऑफ केसेस गॉन अप बिकॉज ऑफ बकरीद रिलैक्सेशंस? तो केरला राज्य सरकार की कहना ये है कि सीरो प्रेवलेंस सर्वे के मुताबिक अभी 50% से ज्यादा ससेप्टेबल केस पॉपुलेशन है केरला में, और अगर राज्य में देखा जाए तो सिर्फ 30% ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। तो इनका कहना यह है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से केसेस भी बढ़ रहा है और इनका पहले से भी इनका यही स्ट्रैटेजी था कि केसेस हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी की थ्रेशहोल्ड के अबाव ना होने की थी इनकी स्ट्रैटेजी। तो यही कह रहा है कि राज्य सरकार ने कि आप कह रहे तो नीतू आप ये कह रही हैं, केरल सरकार का कहना है कि कम से कम 50% ऐसी पॉपुलेशन है अभी वहां जहां को अभी तक संक्रमण हुआ ही नहीं है तो केसेस के दर बढ़ सकते हैं। वहीं केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी नेता डॉक्टर संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर केरल सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने लिखा है कि देश में कोरोना के कल मामलों का 50% हिस्सा केरल से है। ईद पर दी गई छूट का शुक्रिया, लेकिन हमेशा की तरह सवाल सिर्फ कुंभ या कावड़ पर उठाए जाएंगे, क्या यही केरल मॉडल है? बीजेपी के आईटी सेल के चीफ और नेता बीजेपी के अमित मालवीय हमारे साथ फोन पर हैं। अमित मालवीय नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। आपने भी ट्वीट कर यही पूछा है कि बड़े कोरोना के जो बड़े हैं इसलिए आपने भी पिनराई विजयन के कई फैसलों पर आपने भी सवाल उठाए हैं। देखिए आनंद, पिछले कई महीनों से बार बार हम केरला मॉडल का जिक्र सुनते आए हैं लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के 70% से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ केरला से आ रहे हैं। केरला में इन केसेस में बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई जब ईद पर 3 दिन की छूट दी गई, जहां पर लोग खुले तौर पर बाजारों में घूम रहे थे,
बकरीद के लिए जो भी खरीदारी थी वो कर रहे थे। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा चल रही थी और लोग बाहर ना आए इस पे प्रतिबंध लगे, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट तक ने कही, लेकिन केरला सरकार ने तुष्टीकरण के चलते हुए ऐसा नहीं किया। और आज स्थिति ये है कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक दिन में 4000 से अधिक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप बाहर निकलते हैं उसके कुछ दिनों बाद ये संक्रमण बढ़ना शुरू होता है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी है ये बकरीद पर दी हुई छूट की वजह से। तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा जरूरी है। पिनराई विजयन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। पर अमित, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिनराई विजयन और केरल सरकार का कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो अभी तक 50% जो पॉपुलेशन है उसको तो संक्रमण हुआ ही नहीं है, तो कभी ना कभी उन्हें संक्रमण होगा और इसलिए तो केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें तो कहा था कि लोगों की आजीविका का प्रेशर है, लोगों ने कई सारी खरीदारी की है और दुकानदारों की तरफ से प्रेशर बन रहा है क्योंकि फिर उनकी आजीविका पर बहुत बड़ा आघात होगा। देखिए आनंद, ये कहना कि 50% आबादी को संक्रमण नहीं हुआ इसलिए कहीं ना कहीं तो संक्रमण होगा, अगर आप इसी बात को हिंदुस्तान और देश भर के स्थिति में देखें तो हमारी 135 करोड़ की आबादी है उसमें कुछ लाख लोगों को ही संक्रमण हुआ है, तो फिर हमें संक्रमण को बढ़ने देना चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार की बेतुकी बात केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो समझ में आता है कि उनका उनके प्रशासन पे कितना कंट्रोल है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर लोगों की जीविका का सवाल है तो क्या बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आजीविका को सुरक्षित रखा जा सकेगा, या फिर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, प्रोटोकॉल्स लगाए जाने चाहिए, लोकलाइज कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए। आपने तो खुली छूट दे दी थी बकरीद में कि हर आदमी बाहर आए, खरीदारी करे, नमाज पढ़े, मस्जिदों में जाए, तो संक्रमण कैसे रुकेगा ऐसे? आप अगर सरकार में बैठे तो आपका कोई दायित्व बनता है कि नहीं? लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य के बीच में जो बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो करना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का प्रदेश है और 100 से कम संक्रमण के मामले वहां पर सामने आ रहे हैं। केरल इतना छोटा राज्य होने के बावजूद 70% केसेस हिंदुस्तान के आज केरल से आ रहे हैं, तो कौन सा मुख्यमंत्री नकारा है? पिनराई विजयन या अन्य जो मुख्यमंत्री देश में अपने अपने प्रदेशों में कोविड संक्रमण को रोकने में सफल हुए हैं? तो पर कावड़ पर तो सो मोटो संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, केरल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आकर अगर कंप्लेन करेगा तो फिर हम आपके खिलाफ सख्ती करेंगे। नहीं, सख्ती क्या करेंगे, अब तो जो होना तो हो चुका है, लोग बकरीद पे निकल चुके हैं बाहर, संक्रमण फैल चुका है। अगर कोर्ट ने सो मोटो नोटिस कावड़ यात्रा पे लिया तो उनको बकरीद पे भी लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार से एक कंसिस्टेंट व्यू कोर्ट भी इन विषयों पर रखेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लेकिन अगर बाजार खुले हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं।